हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑन इंटीग्रेशन फॉर शोर ट्रिक्स। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हम तीन पार्ट बना चुके हैं इंटीग्रेशन के ऊपर शोर ट्रिक्स के, ठीक है। अब हम ये फोर्थ पार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी भी आपके पास ट्रिक देखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास ए की पावर साइन एक्स इनटू में कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। कभी भी आपके पास ऐसे गिवन हो ट्रिक, देखिए ट्रिक देखिए, कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन गिवन है किसका, कि इंटीग्रेट करो ए की पावर एफ एक्स, ए की पावर एफ एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो क्या एफ एक्स का डेरिवेटिव, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो क्या एफ एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगी वैल्यू, ए की पावर एफ ऑफ एक्स एज इट इज अपॉन में लोग ए, अपॉन में लोग ए प्लस सी। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अगर कभी भी ए की पावर कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसको मल्टीप्लाई कर रखा है, इस पूरी टर्म को मल्टी इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई कर रखा है एफ के डेरिवेटिव से इनटू में डी एक्स, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ए की पावर एफ एक्स जो ये हमारे पास है इसके अपॉन में लोग ए करेंगे प्लस सी, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है। देखिए यहाँ पे ए की पावर कितना है साइन एक्स, ठीक है। ए की पावर कितना है साइन एक्स, मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का हमें निकालना, हमें चेक करना है क्या एफ डैश एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में है, हाँ। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा कोस एक्स, तो मतलब ये हमारे पास एफ एक्स हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया एफ एक्स का काम कर रहा है और ये हमारे पास इसके डेरिवेटिव का काम कर रहा है, राइट। साइन एक्स क्या हो गया एफ एक्स और ये क्या हो गया इसका डेरिवेटिव, तो हुआ साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स ही होता है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये ए की पावर समथिंग, और इस ए की पावर समथिंग के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव कोस एक्स। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे ए की पावर जो है क्या है ए की पावर साइन एक्स है, तो साइन एक्स लिखो अपॉन में लॉग ए लिखो प्लस सी, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। देखो ए की जो भी पावर है साइन एक्स है यहाँ पे, तो क्या उस साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स आएगा, तो साथ में कोस एक्स भी है, मतलब ए की पावर एफ एक्स इंटू में एफ के एफ का डेरिवेटिव डी एक्स, ये कंडीशन इस कंडीशन इक्वल हुई, तो इसका मतलब क्या आएगा ए की पावर एफ एक्स ओवर लोगे ए की पावर साइन एक्स अपॉन लोगे, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से सोल्व करने। चले हम नेक्स्ट ट्रिक पे चले, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब हमारी नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, ट्रिक देखिए। हमें इंटीग्रेशन करना है अगर ए ई की पावर एम एक्स प्लस डी अपॉन में सी ई की पावर एम एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे ए, यहाँ पे ऊपर बी था, यहाँ पे क्या आएगा डी। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है
क्या आएगा? ठीक है, देखो क्या आएगा। सबसे पहले तो देखो, कभी भी e की पावर mx अगर आएगा तो हम b अपॉन d वाली टर्म्स उठाएंगे। ठीक है, इसी टाइप का हमने एक और क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, एक ट्रिक की थी। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी था, ठीक है, उसमें x था लेकिन यहाँ पे क्या है, e की पावर mx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो b अपॉन d करेंगे, साथ में x प्लस वन, जो भी e की पावर mx है तो x का कोफिशियंट कितना है, m, तो ये 1 अपॉन m करेंगे। ठीक है, 1 अपॉन m करेंगे। अब ए डी माइनस बी सी, वही जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हम क्या कर लेते हैं, ए बी सी डी को डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी माइनस बी सी अपॉन में सी इंटू में डी, सी इंटू में डी। ठीक है, लॉग ऑफ, लॉग के साथ क्या करेंगे, ये पूरी डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो लिखेंगे, सी ई की पावर एम एक्स प्लस डी, और इस पूरे के सम में सी ऐड करेंगे। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, ये ट्रिक है आपके पास। अगर कभी भी इंटीग्रेशन पूछा है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी सी ई की पावर एम एक्स प्लस डी डी एक्स, तो किसके इक्वल होगा वो, बी अपॉन डी साथ में एक्स प्लस ई की पावर एम एक्स है तो एक्स का कोफिशियंट क्या है, एम, तो 1 अपॉन m। अभी देखो क्या करना है, ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट निकालना। क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी इंटू में डी, लॉग ऑफ नीचे जो भी डिनोमिनेटर में है उसका लॉग। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते हैं फिर क्लियर होगा क्या है क्वेश्चन। 2 2 e की पावर 5x प्लस 4 अपॉन में 3 e की पावर 5x प्लस 7 dx क्या होगा। देखो क्या ये इसी फॉर्म का है, a e की पावर mx, यहाँ पे भी e की पावर mx है, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे e की पावर 5x है तो नीचे भी e की पावर 5x है। ठीक है, अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करते हैं, देखो तो a की वैल्यू 2 आएगी, ये a हो गया हमारे पास, ये b हो गया, ये c और ये d। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, या तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के भी कर सकते हो। देखो इनके साथ कुछ भी नहीं है तो जाहिर सी बात है ये दोनों टर्म्स लिखी जाएंगी, b अपॉन d, फॉर्म ट्रिक क्या कहती है, b अपॉन d 4 अपॉन 7, b अपॉन d 4 अपॉन 7 के साथ क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई m, m था क्या, e की पावर mx में x का कोफिशियंट, e की पावर 5x, तो m की वैल्यू 5 हो गई, तो हो गया 1 अपॉन 5। ए डी माइनस बी सी, ए डी, ए कितना है 2, बी कितना है 4, 3 और 7, ए डी 14 माइनस बी सी 12 अपॉन सी इंटू में डी, 3 इंटू में 7, लॉग ऑफ ये पूरी टर्म्स का लॉग, 3 ई की पावर 5x प्लस 7 प्लस सी। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है विद इन 1 सेकेंड।
ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, 4/7x प्लस 1/5 इंटू में 14 माइनस 12, 2/3 × 7 = 21 लोगो 3e की पावर 5x प्लस 7 + c, ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें एक सेकंड में एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है काफी, ठीक है, तो आप डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं है आप, और ना आपको ए बी सी चेक करने की जरूरत है। आप डायरेक्ट देखोगे 4/7 आएगा और इस साथ हमें एक्स आएगा, फिर इनका डिटर्मिनेंट आप बिना पेन उठाए अपने आप ऐसे ही कर लोगे आंखों आंखों में, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर आपको पता है सी इंटू में डी करना है। आप ऑप्शन देख के ही अंदाजा लगा लोगे कि हमारा ये ऑप्शन है, ठीक है। ये अभी आपको ट्रिक लेंदी लग रही है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस के ऐसे करके, तो ये आपको ट्रिक बिल्कुल लेंदी नहीं लगेगी, और मेरा यकीन कीजिए आप एक सेकंड के अंदर आंसर चेक कर लोगे कि हाँ ये हमारा आंसर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना जरूर, क्योंकि फिर ताकि आप बी और डी आपको चेक ना करना पड़े क्या बी है क्या डी है, नहीं, हम डायरेक्ट क्या देखेंगे, डायरेक्ट आंखों आंखों में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये इतना लेंदी है नहीं, ये अपने पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, पता है आपको, वहां पे आप ऑप्शन देखोगे और आप आंखों आंखों में इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चंस की, और ये ट्रिक जो मैं करा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है सारी, ये सारी प्लीज कर लेना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा केवीएस एनवीएस और DSSB में, जो भी मैं ट्रिक करा रही हूँ इनके बाहर, या फिर आएगा तो बिल्कुल ही सिंपल जो आप देखते ही कर लोगे, लेकिन ट्रिक के ऊपर बेस्ड आएगा तो इस ट्रिक से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हम, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन है आपका 2 से 4 रूट एक्स माइनस टू अपॉन में 4 - x dx। अभी इसको सोल्व करना है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखा नहीं कि हम घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। कोई बात नहीं भाई, हमारे पास इसकी भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखो, अगर इंटीग्रेशन गिवन है, कैसा इंटीग्रेशन, ए से बी, और रूट चल रहा है, किसका रूट भाई, एक्स में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, अपॉन में अपर में से एक्स माइनस करेंगे, और इस पूरे का रूट लिया है इसने, और डीएक्स कह रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा भाई, ट्रिक क्या कहती है, देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप पाई बाय टू ले लीजिए और बी में से ए माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर आएगा, ये ट्रिक कहती है आपकी, देखो है ना छोटा सा, वैसे देखने से कितना लेंदी लग रहा है कि कैसे सोल्व करेंगे इसको, ये तो रूट में आ गया, लेकिन क्या है ट्रिक, क्या है, पाई बाय टू बी माइनस ए, ठीक है, पाई बाय टू बी माइनस ए, इसमें भी हमें पेन उठाने की ही जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये तो एक सेकंड का क्वेश्चन है। देखो ए कितना है, 2, ये कितना है ए, ये कितना है बी, ठीक है, ये ए है ये बी है, देखो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स में से लोअर लिमिट माइनस, हाँ भाई एक्स में से तो 2 माइनस हो रहा है, क्या 4 में से x माइनस हो रहा है, हाँ भाई 4 में से x भी माइनस हो रहा है, dx मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या ट्रिक लगेगी, पाई बाय टू बी माइनस ए, ठीक है भाई ये लगा देते हैं हम, पाई बाय टू बी कितना है 4,
माइनस ए कितना है 2, दैट इज पाई बाय 2 इंटू में 4 माइनस 2 2, दैट इज पाई क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, हुआ ना एक सेकंड का काम। आपने अगर ट्रिक पता है आपको तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा पाई बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस 2 से, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट पाई। देखा, जिसको आती है ट्रिक वो लगा के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा, और जिसको नहीं आती वो अपने लगा रहेगा इसी क्वेश्चन पे। चले आप नेक्स्ट ट्रिक पे, देखिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या आती है। ट्रिक देखिए, क्वेश्चन है आपके पास जीरो से पाई बाय 2 5 साइन एक्स प्लस 10 कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स की इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। भाई हम तो इसको नहीं कर सकते लेंथी मेथड से, क्योंकि हमें तो केवीएस एनवीएस और इनके लिए चाहिए, हमें तो एक सेकंड में सॉल्व करना है। तो देखो इसकी ट्रिक देखते हैं, तो इसके लिए कोई ट्रिक तो होगी भाई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन गिवन है कोई इस टाइप का और हमें लग रहा है बहुत लेंथी है, नहीं, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई ट्रिक होगी। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, कभी भी अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं जीरो से पाई बाय 2, और किसका इंटीग्रेशन करते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं जीरो से पाई बाय 2 ए सीकेंट एक्स प्लस बी कोसीकेंट एक्स अपॉन में सीकेंट एक्स प्लस कोसीकेंट एक्स डी एक्स, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जीरो से पाई बाय 2, यहां लिख लेते हैं आगे, यहां आएगा नहीं, या फिर हम ऐसे लिखें जीरो से पाई बाय 2 टेन ए टेन एक्स प्लस बी कोट एक्स अपॉन में टेन एक्स प्लस में कोट एक्स डी एक्स। इन तीनों टर्म में से कुछ भी गीवन हो, इस टाइप की कोई भी चीज गीवन हो, आप एक चीज नोटिस करेंगे, ऊपर तो कोफिशियंट ए और बी सबके साधारण है, लेकिन नीचे उन्हीं टर्म्स के साथ कोफिशियंट 1 है। देखो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तब उस केस में हमारी ट्रिक क्या चलेगी और इंटीग्रेशन चलेगा 0 से पाई बाय 2 क्या होगी। देखो छोटी सी ट्रिक है हमारी, पाई बाय 4 ए प्लस बी क्या होगी, इन तीनों के क्या होगा, पाई बाय 4 ए प्लस बी, है ना छोटी सी ट्रिक, लेकिन क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा है इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं भाई। ठीक है, ए कोस एक्स प्लस बी, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है, यहाँ पे तो ए और बी कोफिशियंट चल रहे हैं लेकिन नीचे सबके साथ 1 है, यहाँ पे और बी कोफिशियंट चल रहे हैं लेकिन नीचे सबके साथ 1 चल रहा है, तो क्या ये देखो
भाई ये वाला क्वेश्चन तो इस ट्रिक के जैसा ही है। यहाँ पे ए कितना है 5 और बी कितना है 10। लगा दे ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है, पाई बाई 4 ए प्लस बी, ए प्लस बी दैट इज पाई बाई 4 ए प्लस बी, 5 प्लस 10 कितना हुआ 15, तो 15 पाई अपॉन 4 क्या हुआ आंसर आया। हुआ ना एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व, ठीक है, हुआ ना आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सोल्व। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। जिसको पता है ट्रिक पता है वो डायरेक्ट क्या करेगा, ए प्लस बी को ऐड करेगा, भाई ये तो 5 × 10 आया, 15 आया, इसको हमें पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो तो डायरेक्ट निकालेगा एक सेकंड में क्वेश्चन, चले वो तो पेन भी नहीं उठाएगा। अब हम नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। ये सारी ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो कर लेना आप अच्छे से। देखिए दो ट्रिक हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। उसका मैं एग्जांपल नहीं दूंगी, लेकिन आपको आती हैं वो, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, सेकेंड है ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा देखो, e की पावर ए एक्स को ऐसे की ऐसे लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर प्लस साइन के साथ जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर, ब्रैकेट e की पावर x a साइन बी एक्स माइनस साइन बी एक्स का करते हैं तो माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसे ही इसका करते हैं ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई की पावर ए एक्स का करेंगे तो ए आएगा ये एज इट इज, कोस बी एक्स एज इट इज प्लस, अब देखो कोस बी एक्स का करेंगे तो साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स सॉरी बी साइन बी एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन है। ये आप सबको आता भी है पहले, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेना, किसी को नहीं पता हो तो। अगर क्वेश्चन देखें, देखो क्वेश्चन देखते हैं, e की पावर 2x साइन 3x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा e की पावर 2x एज इट इज, ये 2 क्या होगा a, ये क्या होगा b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, a साइन बी एक्स, ए कितना है 2 और ये एज इट इज साइन 3x, माइनस बी कोस बी एक्स, बी कितना है 3 और साथ में कोस 3x प्लस सी, ये क्या होगा आपका आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक पे, चलें। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास,
इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? रूट कोस एक्स, कोस एक्स अपॉन में रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। पूछता है इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। देखिए ट्रिक देखते हैं, सबसे पहले तो हम ट्रिक क्या कहती है, कभी भी हम इंटीग्रेशन करते हैं भाई, किसका, ए से बी को इंटीग्रेशन चल रहा है, एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। कभी भी इस टाइप का इंटीग्रेशन पूछा है, ऊपर क्या है एफ एक्स, नीचे क्या है एफ एक्स प्लस में, अब फंक्शन किसका होगा ए प्लस बी माइनस एक्स का इंटू, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा। ट्रिक क्या कहती है, कुछ नहीं करना भाई, हमें क्या करना है वन बाय टू बी अपर में से लोअर लिमिट को माइनस करना है, ये हमारी ट्रिक बोलती है वन बाय टू बी माइनस ए, ठीक है। देखो भाई अगर कोस एक्स हमारा एफ एक्स है, कोस एक्स अगर हमारा एफ एक्स है तो देखो, तो एफ एक्स अपोन एफ एक्स, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या साइन एक्स जो है वो इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के, दैट इज हमें क्या चेक करना है एफ ऑफ ए प्लस बी पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री माइनस एक्स पुट करने पे क्या साइन एक्स आता है। करें चेक, अब इसको हम चेक करते हैं, देखिए कैसे, देखिए करते हैं चेक। क्या कोस पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री माइनस एक्स करते हैं, करो देखो कोस कितना आया, ये सिक्स पाई प्लस टू पाई माइनस एक्स, अभी देखेंगे तो क्या बनता है ये आपका कोस थ्री पाई बाय सिक्स माइनस एक्स, ये क्या बना आपका कोस थ्री पाई बाय सिक्स पाई बाय टू माइनस एक्स, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स कितना होगा साइन एक्स, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स कितना होता है आपके पास साइन एक्स, यही होता है। तो देखो क्या कोस ए प्लस बी माइनस एक्स करने पे साइन एक्स आ रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं भाई कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स करने पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये किसके इक्वल हुआ। देखो जैसे ही मैंने कोस के अंदर ये वैल्यू पुट की तो ये साइन एक्स आया ना, जैसे ही मैंने कोस ए प्लस बी माइनस एक्स निकाला तो साइन एक्स आया ना, तो साइन एक्स आया, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ,
क्या ये वाली जो टर्म है क्या इसके इक्वल नहीं हो गई, क्या ये इसी के इक्वल नहीं हो गई, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री। अगर मैं रूट कोस एक्स को एफ एक्स लिखती हूँ तो ये एफ एक्स अपोन में फिर से एफ एक्स प्लस में, क्या ये रूट साइन एक्स ऐसे नहीं हो गया, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यही तो हुआ। यहाँ पे ए प्लस बी कितना है, पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री माइनस एक्स डी एक्स, ये यही तो बना। ये एफ एक्स माना हमने तो एफ एक्स आ गया प्लस में अपोन में, प्लस साइन एक्स को अभी हमने प्रूव किया है क्या आया, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल डी एक्स। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का हो गया। तो मतलब हमारे पास ट्रिक क्या कहती है, इसको इंटीग्रेशन सोल्व करने पे क्या आएगा, वन बाय टू बी माइनस ए, तो मतलब क्या आया वन बाय टू, बी कितना है पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री माइनस ए पाई बाय सिक्स, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो वन बाय टू इंटीग्रेशन लेंगे सिक्स टू पाई माइनस पाई दैट इज पाई बाय टू इंटू में सिक्स ट्वेल्व, पाई बाय ट्वेल्व क्या हो गया इसका आंसर। जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा ये चेक करने में कि ये एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया और ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया, हमें पता है भाई इसकी ट्रिक क्या है, वन बाय टू बी माइनस ए, तो वन बाय टू अपर में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें हमारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपका पूरा फुल कोर्स करा रही हूँ केवीएस और एनवीएस का और डी ट्रिपल एसबी का विद शॉर्ट ट्रिक्स। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।